कौशाम्बी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की दुनिया में अवतरित होने का पर्व जश्न ए ईद मिलादुन्नबी बड़े ही उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बरा वफात का जुलूस आपसी सद्भावना के साथ निकाला गया। इस जुलूस को जिसने भी देखा उसका सिर फक्र से उठ गया और जुबान पर सिर्फ एक ही बात आई, ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कड़ा क्षेत्र तमाम गांव से बरा वफात का जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होते हुए देवीगंज बाजार पहुंचा। जुलूस में एक से बढ़कर एक झांकियां आई थी, पर सभी झांकियों में एक बात सबसे खास रही। सभी झांकियों के रंग भारत के तिरंगे रंग से बनी थी। जुलूस में शामिल दर्जनों गांव से आए हजारों जायरीनों ने एक स्वर में एक ही बात कही, हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के हैं। हम सभी आपसी भाईचारे के साथ रहें और एक दूसरे के सुख दुख बांटना ही इंसानियत है। इस दौरान जुलूस तिरंगे को बड़े ही शान से लहराया गया। जुलूस के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद और कौमी एकता जिंदाबाद की आवाज से पूरा बाजार गूंज उठा। अमन और भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले ईद मिलादुन्नबी पर गांव देहात से लेकर शहर तक ऐसे कई नज़ारे आकर्षण का केंद्र बने रहे। देवीगंज मदरसे के सामने कुरान की तिलावत हुई, दरूदो सलाम का नजराना पेश किया गया और फातिहा हुए। उसके बाद सभी जुलूस वाले अलविदा कहते हुए अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए। जुलूस पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक निकाला गया। सुरक्षा के मद्देनजर सीओ सिराथू रामबीर सिंह सहित भारी मात्रा में सुरक्षा बल मौजूद रहा। फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे आलम के लिए रहमतन लिल आलमीन बना करके भेजा है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तो हम गाड़ी